In this section, I'm going to explain how the weighted cost of capital, what is meant by weighted cost of capital and how do we calculate this? So weighted average cost of capital or VAC is basically a model or a method through which we try to find out the cost of capital. Uh, in other words, we can say that we, ca we are going to find out the average cost of capital which you are going to pay uh, when you have टन कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज द कॉमन स्टॉक दॉन्ड्स एंड ऑल द अदर फॉर्म्स ऑफ डेट इस सारे जो आपने कैपिटल लिया है इसके ऊपर जो आपको कितनी कॉस्ट आएगी उसको कैलकुलेट करने के लिए हम वैक का कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं नाउ द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एन ईजी एंड द कॉमन वे ऑफ कैलकुलेटिंग द रिक्वाड रेट ऑफ रिटर्न नाउ रेट ऑफ रिटर्न को या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए आपको जब आप इसके फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक सिंगल नंबर मिलेगा जो कि आपको बताता है कि ये वो रिटर्न है जो कि बॉन्ड होल्डर्स शेयर होल्डर्स डिमांड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कीप देर कैपिटल विद द कंपनी सो आपको उससे अंदाजा हो जाता है कि हमें इतना ओवरऑल रिटर्न वापस करना है तो उसके हिसाब से आप अपने जो भी डिसीशन हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के वो डिफाइन कर देते हैं नाउ इफ अफर्म्स वैक और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी हायर इफ इट्स स्टॉक ऑफ रिलेटिवली वोलेटाइल और इफ इट्स डेट इज सीन एज रिस्की बिकॉज इन्वेस्टर्स अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं um, कि ये कंपनी जो है इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है या इसमें कोई किस्म के फ्लक्चुएशन से प्रोन है इसका

मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म्स डेट चाहिए और इसके साथ ये जो आर ई है दैट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विटी दिस इज कॉस्ट ऑफ डेट तो कॉस्ट ऑफ एक्विटी को आप टोटल प्रोपोर्शन जो है आपका दिस इज डेट टू ओवरऑल जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके साथ आपने रेशो निकाल के आपने उसके साथ कॉस्ट ऑफ डेट और इसी तरह से ये रेशो निकाली आपने इसको आपने कॉस्ट ऑफ एक्विटी के साथ में मल्टीप्लाई किया है और फिर आपने इन दोनों को जमा करने के बाद मल्टीप्लाई करना है वन माइनस टैक्स रेट से तो वी इज बेसिकली द सम ऑफ एक्टी एंड डेट तो हम इस इन in, इस इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करते हैं कलेक्ट करके मार्केट से इस फॉर्मूला में इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वैक एंड विच इज द रेट ऑफ रिटर्न एंड अभी इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ दिस फॉर्मूला तो दिस गिव्स यू द वेटेड वैल्यू ऑफ द इक्विटी कैपिटल कि आपने इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी डाली है और इसमें इक्विटी टू टोटल जो आपका जो भी टोटल आपका फाइनेंसिंग है उसकी रेशियो डिफाइन की हुई है सिमिलरली ये जो हिस्सा है फॉर्मूला uh, का दैट गिव्स यू द वेटेड वैल्यू ऑफ डेट कैपिटल सो वेटेड वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड वेटेड वैल्यू ऑफ डेट कैपिटल को जमा करके आप मल्टीप्लाई करें वन माइनस टी सी से आपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए नाउ आई एम गोट टू एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल। देर इज अ कंपनी जिसने हंड्रेड थाउजेंड डॉलर्स मिलियन डॉलर्स डेट फाइनेंसिंग की है और फोर मिलियन डॉलर्स एक्टी फाइनेंसिंग इसका मतलब है जो उसका वी है टोटल दैट इज वन मिलियन प्लस फोर मिलियन इज फाइव मिलियन तो जो टोटल फाइनेंसिंग हुई है दैट इज फाइव मिलियन डॉलर राइट इसमें से वन मिलियन डॉलर डेट का है और बाकी का रिमेनिंग फोर मिलियन एक्विटी है अब परपॉर्शन ऑफ एक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग यानी कि ई डिवाइडेड बाय वी विल बी फोर डिवाइडेड बाय फाइव इज जीरो पॉइंट एट एंड यू कैन फाइंड लुक एट दिस फॉर्मूला जो ब्रेकअप दिया हुआ ये जीरो पॉइंट एट कहाँ से आया दिस इज फोर मिलियन डिवाइड बाई फाइव मिलियन और इसी तरह से आप अपना निकालेंगे परपॉर्शन ऑफ डेट बेस्ड फाइनेंसिंग

उनकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉस से मल्टीप्लाई करके फिर आपने उन दोनों को जमा कर देना है जमा करके आपने वन माइनस टी के साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल आएगा वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस कॉम्बिनेशन के साथ हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ये निकल रही है इसका मतलब है कि जो आपके साथ एक्विटी और डेट फाइनेंसिंग कर रहे हैं लोग इन्वेस्टर्स वो इतना रेट ऑफ रिटर्न आपसे लेना चाह रहे हैं सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड यूज दिस नंबर विच विल बी ऑप्टेंड टू हैव एन ऑफ़ द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैप